नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। टिकट बंटवारे के बाद उपजी नाराजगी अब चुनावी मैदान तक पहुंच गई है। चुनावी रण में कांग्रेस बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी तो ऐलान कर दिए, लेकिन उसकी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर नेता नाराज होकर बगावत कर चुके हैं। ये नेता या तो निर्दलीय या फिर स्थानीय पार्टियों की शरण में है। सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस ने 71 विधायकों में से 22 विधायकों का टिकट काट दिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा बगावत कांग्रेस झेल रही है। बगावत की आग धधकती हुई दिख रही है। इस बगावत की आग को शांत करने की कोशिशें तो खूब हुई, मगर सियासी चिंगारी अब बुझती हुई नहीं दिख रही है। जिन विधायकों के टिकट काटे गए वो अब निर्दलीय या फिर जनता कांग्रेस जोगी से हाथ मिलाकर चुनावी रण में कूद पड़े हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता कांग्रेस सरकार के कामकाज से खुश नहीं थी, इसलिए विधायकों के थोक में टिकट काट दिए गए। कांग्रेस हाईकमान को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं था, इसीलिए बगावत की आग धधक रही है। दरअसल सरायपाली से विधायक किस्मत लाल चंद ने कांग्रेस से टिकट कटने के बाद जोगी कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जहां उन्होंने जोगी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। इसी तरह से धमतरी से पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता गुरमुख सिंह होरा ने टिकट कटने के बाद नाराजगी जताई और निर्दलीय रण में ताल ठोक दी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने मौजूदा 71 विधायकों में से 22 विधायकों का टिकट इस बार काट दिया है, जिसे लेकर बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। किस पार्टी में किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी, यह तय करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के आला कमान को है। पार्टी हर कार्यकर्ता के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन करती है। जो लोग अभी तक विधायक की भूमिका में थे वो किसी अन्य भूमिका में रहेंगे, जो कार्यकर्ता की भूमिका में थे वो चुनाव लड़के विधायक की भूमिका में आएंगे। पार्टी अपने सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करती है, उसके हिसाब से भूमिका सुनिश्चित करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के समान अलोकतांत्रिक नहीं है। हार का पटाखा जो कहते हैं या बगावत का पटाखा जिससे हार शुरू होती है, वो जब ढाई ढाई साल का टीएस सिंह देव और बघेल साहब के बीच में जब निर्णय किया था उसी समय लिख दिया था, और वहीं से बगावत शुरू भी हुई, अंदरूनी खींचातान भी हुआ। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अन्य लोग जो कांग्रेस के टिकट जिनका कटा है वो या तो निर्दलीय जा रहे हैं। वहीं जिन नेताओं को इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने का भरोसा था उन्हें टिकट नहीं मिला, तो पार्टी में भीतरघात या फिर दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का साथ देने की वो सोच रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा थोक में काटे गए टिकट पर अब बीजेपी तंज कस रही है। भाजपा ही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सर्वे करवाया जहां विधायकों का परफॉर्मेंस कमजोर था, इसलिए टिकट काट दिए गए, यानी सरकार का कामकाज सही नहीं था। कांग्रेस हाईकमान ने हार के डर से अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटा, मतलब हाईकमान जानती है यहां कामकाज सही नहीं चल रहा। और आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट जो है वो काटे, और ये जो 22 विधायक है कोई 50,000 से, कोई 45,000 से, कोई 40,000 से पिछला चुनाव जीता, इनकी टिकट काटना मतलब यह है कि आपने जो भारी भरकम वोटों से विधायक बनाए थे, जीते थे जनता ने, उनका विश्वास इन्होंने खो दिया। ये जो कहते हैं कि हमारी सरकार भरोसे की सरकार है, कि 22 विधायकों की टिकट क्यों काटते हैं। बहरहाल सभी राजनीतिक दलों में परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, लेकिन थोक में टिकट काटने का खामियाजा कांग्रेस को शायद उठाना पड़ सकता है। वहीं इसके बाद उपजे विवाद और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वजह से बीजेपी को इसका फायदा क्या मिल सकता है? रायपुर से विकास यादव, इंडिया वॉइस। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव में टिकट ना मिलने पर
बगावत काफी तेजी पर देखी जा रही है और कांग्रेस ने तो 22 सिटिंग एमएलए के टिकट काटी है, तो कांग्रेस के अंदर भी बगावत के सुर बहुत ज्यादा तेजी पर। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ है, स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ सिंह जागृत, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है सौरभ जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है गंगेश जी आपका। सबसे पहले सौरभ जी मैं आपके पास से आना चाहूंगा। सौरभ जी, चुनाव की धूम देखी जा रही है, चुनावी मौसम है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जमाजम हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि जिन पर आप विश्वास करते थे, जिनके कंधों पर बैठकर आप लोग चुनाव जीतते थे, जो आपके कार्यकर्ता थे, पार्टी के तमाम नेता थे, अब वही आपके लिए बगावत करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। आपकी सरकार आपके आपकी पार्टी के लिए खुलकर बगावत कर रहे हैं, तो रूठे हुए इन कार्यकर्ताओं को जीतने के लिए कैसे मनाएंगे सर आप, ये बड़ी चुनौती आपके आगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संगठन के रूप में काम करती है, और जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनके जो विरोध प्रदर्शन होता है वो संगठन के अंदर होता है। कांग्रेस की तरह नहीं कि निर्दलीय जाकर दूसरे पार्टी में जाकर चुनाव लड़ लेना। आप देख सकेंगे कांग्रेस की प्रत्याशी लिस्ट इसलिए लेट आई क्योंकि इनको मालूम था कि इनकी यदि विधायकों की, इनके मंत्रियों की टिकट कटती है तो बगावती सर बहुत। सौरभ जी आप कैसी बातें करते हैं सर, आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर विरोध किया जा रहा, आप अपनी बात को घुमाकर कांग्रेस पर ले गए। पहले अपने घर को देखिए, पहले अपने घर को देखिए कि आपके घर के लोग खुश नहीं है। आपके घर, आपकी पार्टी के बाहर टेंट लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, टिकट को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे, आप कांग्रेस में घुस रहे हो सर, ये देखिए नाराजगी दूर कैसे करनी है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा पहले भी कि भले कार्यालय के सामने टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता जाकर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो गए या निर्दलीय चुनाव लड़ने का दमखम इसलिए नहीं रखता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक संगठन के रूप में बात करती है। कांग्रेस कह रही है कि तमाम नेता हमारे साथ अंदरूनी मिले हुए हैं, कांग्रेस से अंदर अंदर सेटिंग चल रही है सर, आप कह रहे मिले नहीं है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस है, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन था, आप देख लेंगे कौन निर्दलीय चुनाव भरा है, किसने दूसरे पार्टी में जाकर चुनाव लड़ा है, चाहे अजीत कुकरेजा को देख लीजिए, कांग्रेस के जो पार्षद होते हैं रायपुर उत्तर से, वो सिंधी समाज से आते हैं, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ रहे। उसके बाद बृहस्पति सिंह को देख लीजिए, अनूप नाग जी को देख लीजिए, चिंतामणि महाराज जी को देख लीजिए, इनके तमाम नेता जो विधायक थे और दमखम के साथ जीत हासिल किए थे, उन्होंने यदि टिकट ना मिलने पर निर्दलीय, और उन्होंने सर टिकटों का बंटवारा कैसे किया उन पर छोड़ दीजिए, वो एक अलग बैटर है। सवाल मेरा आपसे है कि आपकी पार्टी, जो अपनी पार्टी की आप बहुत दुहाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये करती है वो करती है, सबको साथ लेकर चलती है सर, घर के ही लोग आपसे नाराज हैं और कह रहे हैं कि टिकट में धांधली हुई है खूब। देखिए, टिकट में कोई धांधली नहीं हुई, निष्पक्ष रूप से कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ता नेता के साथ बैठकर समन्वय बनाकर टिकट बांटा गया। और विरोध क्या होता है, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव आते हैं, सांसद चुनाव आते हैं, दर्जनों प्रत्याशी रहते हैं, एक किसी एक को टिकट मिलता है, कोई एक दुखी हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको समन्वय बनाकर मना जरूर लेती है, परंतु कांग्रेस के जिस हिसाब से मैंने पहले भी कहा बगावती स्वर दिख रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बगावती स्वर नहीं दिखने को मिल रहा है। और जो की बात आज इनके 22 टिकटों को, 22 विधायकों की टिकट कटने की बात आ रही है, जो सर बगावत की परिभाषा क्या होती जरा मुझे बता दीजिए। टेंट लगाकर आपके दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हमारे खुश है, कोई बगावत नहीं है। देखिए, एक देखिए मैंने वही कहा, टेंट लगाकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, संगठन रूप से बातचीत हुई, उनको मना लिया गया, और तमाम जो दो तीन विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन था, मैं मानता हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने, नेता ने और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बन चुके हैं, और दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से, जो कि कांग्रेस की आज कुछ दिन पहले, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी दो में डिवाइड है, अरुण साव और कह रही है कि बीजेपी रमन सिंह, दो पार्टियों में डिवाइड है, उनके अंदर खुद कलह मचा हुआ है। अरे, कांग्रेस का आरोप लगाना तो हमेशा से इनके आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी पे, चाहे राहुल गांधी जी आते हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी आते हैं, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे चुनाव लड़ती है और एक ही कमल है, यहाँ कोई डिवाइडेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से आप देख लेंगे तो इनके यहाँ कितने गुट चल रहे हैं खुद जानते हैं, टीएस बाबा हो गए, बृहस्पति सिंह हो गए, आपके अनूप नाग जी हो गए, और चिंतामणि महाराज हो गए, भूपेश बघेल जी खुद हो गए,
तमाम, चाहे सत्यनारायण शर्मा जी हो गए, तमाम इनके नेता खुद गुटबाजी में फंसे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही गुट चलता है, वो है कमल का गुट, और कोई गुट नहीं चलता। मतलब कोई गुट नहीं चलता, जो बगावत हो रही है, ऐसा नाराजगी हो रही है, वो कुछ भी नहीं है। मैंने वही कहा ना, जो नाराजगी हो रही कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उसको मना लिया गया है। गंगेश जी मेरे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार है गंगेश द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े। गंगेश जी, ये क्या माना जाए, दोनों पार्टियों में देखा जा रहा है बड़ी उठक पुठक चल रही है, बगावत के तेवर बहुत, बगावत के स्वर बहुत मुखर दिखाई दे रहे हैं। अब तो ये बोला जा रहा है बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कि इनका खेल बिगाड़ो, इनका खेल बिगाड़ो, दोनों तरफ से बगावत देखी जा रही है। कैसे ये चुनाव जीतेंगे, कैसे टक्कर देंगे एक दूसरे को? ये निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों में बगावत है, और जिस तरफ कांग्रेस के लोग ज्यादा मुखर है, वही बीजेपी के लोग भी पार्टी के कार्यालय में आके कर रहे हैं। और ऐसा नहीं की वजह, तो मुझे लगता है कि भाजपा सबसे बड़ी जो नाराजगी की वजह जो मैं समझ में आता है, वो ये है कि लगभग 5 साल तक, जो पिछली बार जिन लोगों को सरकार की हार हुई थी, 15 साल सरकार के बाद जो चेहरों साल हार हुई थी, उन्हीं चेहरों को वापस रिपीट कर दिए गए हैं। रमन के पूरे मंत्रिमंडल को रिपीट कर दिए गए हैं। रमन सिंह को लेकर एंटी कंपनी नहीं थी, लेकिन जो मंत्री थे उनको लेकर लगातार कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी भाजपा की। और जो पिछली बार का चुनाव का परिणाम आया था, उसके बाद जब भाजपा की अधूरी बैठक हुई, उसमें ये बात आई थी कि कार्यकर्ता ही नाराज थे, कांग्रेस जितनी जीती थी उससे ज्यादा भाजपा हारी थी पिछले चुनाव को। वही स्थिति फिर से इस बार आई है। हालांकि भाजपा ने लगभग 40-30 सीट पे नए कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर भाजपा की ही कोई में ये जो पुराने चेहरे उतारे, जिनकी जगह कुछ अच्छे पुराने चेहरे उतार थी, जो जिनको टीम कम्बिनेशन नहीं थी, तो मुझे लगता है और अच्छा बेहतर परिणाम दे सकती थी भाजपा। अब यही इसलिए देखिए, कांग्रेस ने जो सर्वे करा के जिनकी सीट काटे हैं, कांग्रेस में तो ये बहुत ही सामान्य माना जाता है मेरे हिसाब से, बगावत करता और इस तरह की चीजें कांग्रेस में बहुत ज्यादा नजर नहीं दिया जाता, वहां पर सब चीजें खुल के होती है, तो यही वजह की वहां पर एकदम से दिख रहा है। और इसको कैच करने के लिए एक तो संजय जी देवी ने उसके बेटे जो पार्टी चला रहे हैं जो भी कांग्रेस, वो लगभग बहुत सारे कैंडिडेट उतार रहे हैं, भाजपा कांग्रेस से बागी को भी उतार रहे हैं। इसके अलावा दो पार्टी और आ गई है, एक सर्वाधिक समाज की है अमर राज पार्टी, और एक क्रांति सेना की एक पार्टी है जय जवाहर पार्टी। ये सब पार्टियां जो नई नई जो पार्टी दो तीन आई है, वो सब जो है बागियों पर ही नजर रखती है और उनको एडजस्ट करके अपने हिसाब से उतार रही है मैदान में। वहां तो आखिरी था काफी संख्या में लोग उतरे, कुछ लोग छोड़ा है निर्दलीय उतर के, उनको सपोर्ट कर रही है पार्टियां, जगह पे इतने लोग कैंडिडेट भी उतार रहे हैं और बैठ सपोर्ट कर रही है पार्टियां। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण बिगड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जो अगर विधायक का टीट कर रहा है तो कहीं के उसका 10-20 हजार का अपना वोट बैंक होगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कांग्रेस के जो तरीका 8 या 9 विधायक है, दोनों 30 हजार से अधिक लीड पर जीत हासिल की थी, उनके भी टिकट कटे, लेकिन वो कहना ये कि परफॉर्मेंस के आधार से, और परफॉर्मेंस के आधार से घटे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। और उसकी जगह जो कैंडिडेट आए हैं, तो स्वाभाविक तौर से मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होंगे, सब पार्टी ने उनको चुना है। तो ये तो अब आज उसका कुल मिला के पूर्व विधान लग गया है, बाकी आज मौका था, इसलिए लगभग 24 सीट में ऐसा हार है छत्तीसगढ़ में, 90 में से 24 सीटों में बगावत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के, स्वागत है अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अमित जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा विरोध देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी के हैं, 22 सिटिंग एमएलए के आपने टिकट काट दिया, बगावत के स्वर बहुत मुखर दिखाई दे रहे हैं, कैसे? भूपेश बघेल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं, अब आपके घर के लोग आपसे नाराज हैं तो आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे आप जीत पाएंगे चुनाव? बीजेपी तमाम सवाल खड़े कर रही है टीएस सिंहदेव को लेकर, क्योंकि आपके पार्टी के तमाम नेता आपके ही खिलाफ रण में मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, बगावत की आग को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक उत्साह है और सबको पता है कि पूरा सरकार आने वाली है, तो कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 15 सालों से जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार से लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने जनता के बीच में लगातार हमारी सरकार रही थी, सेकेंड डे से जो जिन्होंने काम किया, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो निश्चित तौर पर जो पार्टी के लिए कार्य करते हैं, कुछ संगठन में कार्य करते हैं, कुछ सत्ता लेके बाद सरकार में जाके काम करते हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता का ध्येय होता है कि अपनी पार्टी में वो अपनी पार्टी के लिए काम करें, और निश्चित तौर पे टिकट लिमिटेड होती है, 90 ही लोगों को टिकट मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से पिछले बार भी संगठन में एडजस्ट किया गया था, निगम मंडलों में सदस्य बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, सबको एडजस्ट किया गया था। देखिए, जब व्यक्ति अगर कार्यकर्ता है, सुनील जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, सारी चीजों को बेहतर समझते हैं,
जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कार्य करता है उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हमें कुछ ना कुछ पार्टी के तरफ से आशीर्वाद के रूप में हमें मान सम्मान भी मिलेगा और कुछ कुछ पद भी मिलेगा। अगर नहीं मिल पाता तो सहना पड़ता है। और लेकिन नहीं सर, एक सेकेंड अमित जी, बात मेरी डाइजेस्ट नहीं हो रही, कैसी आप बातें कर रहे हैं? जो आपके सिटिंग एमएलए, ये आपको क्या मानना पड़ेगा कि आप उनके कामकाज से खुश नहीं थे? प्रदेश की आवाम को, जांच क्षेत्र की आवाम को ठीक से काम नहीं किया, 22 सिटिंग एमएलए के टिकट कटे हैं सर, 22 के, वही आपके विरोध में सर मुखर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी आपकी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं, मोर्चा कर चुके हैं, उनको कुछ दिन के लिए आपने डिप्टी सीएम बना के खुश कर दिया। कैसे आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए जब क्रिकेट मैच होता है ना सर, क्रिकेट मैच में और चुनावी मैच में बहुत अंतर है सर, उससे कंपेयर मत कीजिए। देखिए सुनील जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब चुनाव में लोग आते हैं और अगर उनकी टिकट काट दी जाती है इसका मतलब ये नहीं कि उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था, लेकिन अगर पार्टी को लगता है किस आधार पर टिकट दी जाती है, जरा बताइए मुझे एक सेकेंड सर, किस आधार पर टिकट दी जाती है? परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता, तो किस आधार पर टिकट दी जाती है? क्या चापलूसी के आधार पर कि जुगाड़ के आधार पर? सर देखिए, ना तो चापलूसी चलती है ना जुगाड़ चलता है कांग्रेस में। कांग्रेस में आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस में कार्य चलता है, काम करने वाला व्यक्ति को, वही तो मैं बोल रहा हूं सर, वही सवाल मेरा आपसे था, परफॉर्मेंस को लेकर मैं बात कर रहा था कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, 22 सिटिंग एमएलए का, इसीलिए कांग्रेस ने टिकट काट दी। लेकिन भूपेश बघेल सरकार ये कहती है ना कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारा ये पूरा टेन्योर बहुत अच्छा रहा, तो सर सवाल उठेंगे आप पर, बगावत आपकी पार्टी बहुत देखी जा रही, 22 सिटिंग एमएलए का टिकट खड़ा होना, और टीएस सिंहदेव पहले नाराज दिखाई दे रहे थे, तो सवाल आपकी पार्टी पर, आपके काम करने के तरीके पर उठेंगे, और ये जनता के बीच में बगावत के जो स्वर देखे जा रहे हैं ये कहीं आपको लेकर डूबना पड़े। सुनील जी, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, आपको जितना प्रश्न करना है आप उससे लगातार कर लीजिए, लेकिन जब मैं बोला हूं तो मुझे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ठीक है सर, बोलिए, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। ओके, देखिए आपने कहा कि 22 विधायकों के टिकट काटे, पैमाना आपने बता, आपने पूछा, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में कार्यकर्ता लगातार जब कार्य करता है पार्टी में उसका मूल्यांकन होता है, और ये कतई ही मतलब नहीं है कि अगर किसी का टिकट कट गया तो वो अब काम के योग्य नहीं है, आगे काम दिया जाएगा, संगठन में काम दिया जाएगा। हम लोग खुद 37 साल से पार्टी में है और हम पार्टी के पिछले 10 साल से पार्टी के प्रवक्ता है, इसका मतलब हर व्यक्ति को हर पद नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा ना कि अगर आपकी इच्छा, आप संगठन में अगर आपको काम करने का मौका पार्टी देती है, सरकार आने पे संगठन सत्ता सरकार पे काम करने का मौका देती है, लगातार आपको काम करना, काम अगर आप करते रहेंगे, काम का मूल्यांकन पार्टी में होता है, और लगातार आपको मैं बता दूं कि एक निचले स्तर का कार्यकर्ता जब ऊपर पद में पहुंच जाता है अपने काम के बिना पे, तो लगातार पार्टी का मतलब है उसका मूल्यांकन करती है, और अगर मूल्यांकन करने के बाद जब उसे शीर्ष पद पर बैठाया जाता है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी मेहनत के बल पे, पार्टी में अपनी निष्ठा के बल पे, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपनी काबिलियत के, अपने काबिलियत के बलबूते और अपने कार्य शैली की पद्धति के कारण वो निश्चित तौर पे वो ऊपर उसको लाया जाता है। लेकिन आपने कहा, दूसरा आपने प्रश्न किया था कि बाबा साहब ने जो कहा, निश्चित तौर पे बाबा साहब बहुत वरिष्ठ हमारे नेता है, और निश्चित तौर पे आप देखिए कि जिस प्रकार से सौरभ जी बनाया गया, जवाब दीजिए कि अमित जी का कहना है कि कांग्रेस के अंदर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टिकट दिया जाता है, 22 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए, उनके परफॉर्मेंस अच्छे थे, लेकिन हम नए लोगों को चांस देते हैं। मैंने कहा जुगाड़ चापलूसी तो नहीं चलती, बोले हमारे यहाँ नहीं चलता और पार्टियों में चलती है। देखिए जिस दिन से टीएस बाबा जी उप मुख्यमंत्री बने, इससे ये साफ साफ समझ आ जाता है कि भूपेश बघेल जी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। यदि इनके हिसाब से देखा जाए, भूपेश बघेल जी को उप मुख्यमंत्री क्यों दिया गया टीएस बाबा, कहीं ना कहीं टीएस बाबा जी का बगावती विरोध कांग्रेस पार्टी को समझ आ गया था, कहीं घातक ना हो जाए करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। दूसरी बात, यदि परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो 22 विधायकों की टिकट कट रही है, तो क्या 22 के 22 को सांसद भेज देंगे? उतनी तो सीट रही है, क्या 22 के 22 को राज्यसभा सांसद भेज देंगे? जवाब दीजिए। इन्होंने तो राज्यसभा सांसद बाहरी अमित जी बोलिए को भेजा और रजीत रंजन को भेजा, शुक्ला जी को भेजा, बार बार को इन्होंने, अमित जी सुन रहा हूँ मैं आपको, बोलिए 22 विधायकों की टिकट ये काटने के बाद क्या इनको राज्यसभा अच्छा नहीं था, तो क्या यूपी में
यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का काम अच्छा नहीं था आपने? अरे छत्तीसगढ़ की बात करिए, यूपी का बताइए, योगी आदित्यनाथ जी तो वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार नष्ट है। छत्तीसगढ़ में आप अपनी स्थिति देखिए, तीन राज्यसभा सांसद जो है उत्तर प्रदेश में भेज देते हैं और विकास कार्य कहाँ से हो रहा है? अरे भैया छत्तीसगढ़ में जो बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ पीड़ा हो रहा है, क्या वो राज्यसभा सांसद तीन तीन जो है बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ से, क्या उन्होंने विषय रखा कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं संसद से? एक विषय नहीं रखा, नहीं पता तीन राज्यसभा सांसद गाय के लिए छत्तीसगढ़ से दे दिए गए, इनको कांग्रेस में मिले नहीं, इतने अच्छे नेता थे। आप भी भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो हमारे साथ जुड़े उनको राज्यसभा भेज देते, हमको कोई परेशानी नहीं थी, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है हमारे भाई, पर उनको ना भेज के तीन तीन बाहरी लोगों को राज्यसभा सांसद भेज देते हैं। इससे साफ साफ समझ आ जाता है कांग्रेस का कार्यकलाप किस ओर जा रहा है। अमित जी जवाब दीजिए। जी देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मध्य प्रदेश से भाजपा के लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है, दूसरे प्रदेशों से भेजा जाता है तो तब ठीक है। और मैंने कहा ना, योगी आदित्यनाथ जी का अच्छा काम नहीं कर रहे, सौरभ भाई की आपने विजय पाटा जी को डिप्टी सीएम बना दिया, आपको भेज देते राज्यसभा सांसद, हम तो खुशी से स्वागत करते हैं आपका, परंतु दूसरे प्रदेश से राज्यसभा सांसद भेज रहे हैं तो इससे समझ आ जाएगा पार्टी ने अगर व्यवस्था बना के रखा है पिछले 10 सालों से तो आई एम वेरी हैप्पी सौरभ जी, आपकी शुभकामनाओं के धन्यवाद। और मैंने कहा ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता, परंतु 22 विधायकों को आप लेके कहां जाएंगे? या तो डिमोशन करेंगे, आप काहे चिंता कर रहे हैं, आप बीजेपी की देखिए देखिए दूसरी बात, आप कांग्रेस जिस प्रकार से बगावती चौर आप देख लीजिए, के एम नंद जी सराई पाली से, के एम नंद जी के जो विधायक है सराई पाली से के साथ आज नामांकन भरते हैं, कांग्रेस पार्टी में जाके चुनाव लड़ते हैं, अजीत कुकरेजा जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जी तो है जो कि कांग्रेस इतने गद्दावर नेता कांग्रेस को मना नहीं पा रही है, इससे साफ साफ समझ आता है कांग्रेस में बगावती स्वर कितने तेज उग चुके हैं, इनके कार्यालय में मारपीट की स्थिति आ जाती है, आप सभी देख चुके हैं। मैं सुनील जी जवाब देना चाहूंगा, मैं दे दूं जल्दी से सर, जल्दी से। देखिए छत्तीसगढ़ की जनता ने वो भी जिस दृष्टि से देखा है, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो आज प्रधानमंत्री है उन्हें एकाध परिसर में कहां थूकना पड़ा था, और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी गाड़ियों में आग लगाई गई थी एकाध परिसर में, तो क्या मैंने कहा ना सूफा बोले तो बोले तली क्या बोले, इसमें खुद बहत्तर थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने वो भी जिससे देखा है सौरभ जी, शायद आपको याद होगा। सौरभ जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए छत्तीसगढ़ में तो सबने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सब देखा है, और आपके 5 साल जो पूरे होने वाले हैं आपने क्या किया है क्या नहीं किया है सब देख लिया, चाहे घोटाले देख लीजिए, चाहे घोषणा पत्र देख लीजिए, झूठा घोषणा पत्र के आड़ में आपने सरकार बनाई, चाहे वो शराबबंदी हो, महिला सहायता समूह का कर्ज माफ करने की बात हो, देने का बात हो, चाहे मंडी टैक्स माफ करने की बात हो, 5 करोड़ सम्मान देने की बात हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, आदिवासी छात्रवृत्ति को रोकने की बात हो, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ हो चुकी है कि सब त्राहीमाम त्राहीमाम कह रहे। अरे भैया आप इतने सरकार विकास कार्य करना चाहिए था, जो आपने झूठे वादे किए थे उसको पूरा करना चाहिए था। आज आपके बड़े नेता आते हैं छत्तीसगढ़ में बोल के जाते हैं कि तेंदुपत्ता संग्रहालय को ये मिलेगा वो मिलेगा, अरे भैया आपने तेंदुपत्ता संग्रहालय का तो पुराना जो कहा था बीमा करेंगे वो आज तक नहीं हुआ, उनको चरण पादुका देंगे वो आज तक नहीं मिला, सारी बांटेंगे वो आज तक नहीं मिला, 40 लाख और झूठे वादे का डाटा है बंद करें, 40 लाख जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है, इनके बड़े नेता आके झूठे वादे करके जाते हैं, झूठे वादों से कुछ नहीं होगा, छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी यदि आती है तो तमाम चाहे किसान हो, आप किसान का बात करते हैं, मंडी टैक्स आज तक माफ नहीं कर पाए, कार्यकलाप दिख रहा है छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, किस हिसाब से आपके नेता आते हैं और उर्गुलुल बयान देकर जाते हैं, भूपेश बघेल जी कुछ और बोलते हैं, टीएस बाबा जी कुछ और बोल रहे हैं, तो इसकी बगावती स्वर
हमेशा से दिखती आई है कांग्रेस में और इनकी नहीं है। अभी आप चिंता मत करिए, सबको बना दिया जाएगा, आप बिल्कुल। लेकिन बगावत अगर एक किसी पार्टी की बात की जाए, बगावत दोनों पार्टियों में देखी जा रही है, कोई इतना पाक साफ नहीं है सर। दोनों पार्टी बगावत देखी जा रही, बीजेपी कांग्रेस दोनों में बगावत ही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा रोड़ा उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि दोनों ही देखा जा रहा है पार्टी में टिकट ना मिलने से नाराज दिखाई दे रहे। गंगेश द्विवेदी जी, फाइनल कमेंट रखिए सर। विधानसभा चुनाव है, सरगर्मियां तेज हैं, आरोपों की बरसात झमाझम हो रही है, बगावत के स्वर देखे जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस को देखते हुए आकलन कीजिए। दोनों ही पार्टियों में बात समाप्त पर है, दोनों ही पार्टियों से भागे होकर कैंडिडेट अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, जो भी नई पार्टियां आई हैं। और खासतौर पर जो राज पार्टी वो तो आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही है, और ये माना जाता है कि आदिवासी सीटों पर जिसकी जीत होती है वो लगभग सरकार तय करता हुआ आता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों का चुनावी समीकरण, ये पार्टी जो है तीसरे तीसरा मोर्चा जो है, जिस आम आदमी पार्टी भी है, अमृत पार्टी है, दूसरी पार्टी है, और गोदवारे गणतंत्र और बसपा अलग से है, इनके भी अत्यंत प्रभाव क्षेत्र। तो निश्चित तौर पर जो तमाम पार्टियां हैं कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को चुनावी समीकरण बिगाड़ेगी, और मुझे लगता है कि कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी आ सकते हैं इस चुनाव में। बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां अपने बगावत को लेकर ही मनाना और उठने मनाने का दौर लगातार चल रहा है। लेकिन गंगेश श्री, देखा जाए कि जहां कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता थे, जो पहले पार्टियों के लिए काम करते थे, पार्टियों के हितों की बात करते थे, अब वही पार्टियों की कुरीतियों को उकेर रहे हैं। ये जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा कि जो तक अपने थे आज 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 वही बुराइयां कर रहे हैं सर? देखिए, जिनका जिनको ज्यादा उम्मीद रही होगी, जिनको लगा होगा मिला रहा होगा, कुछ टिकट ऐसे ही बटी है जिनको एक जगह से मिलना था, उन लोगों ने 3 महीने तैयारी कर ली, दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दी है। उसी की ढैसे कटी है कांग्रेस में, इनका एकदम फाइनल स्टेज में आके अचानक बैक इन डेट आ गया। उसी की ढैसी भी है जिसमें बाहरी को ला के डाल दिया गया, और वो लंबे समय से मेहनत कर रहा है उसको अवसर नहीं मिला। तो बगावत के जो ये सब पॉइंट है, भाजपा में इसी तरह की चीजें हैं, एकदम नए चेहरे को या बाहर से आए हुए चेहरे को उतार देने से बगावत का फूल दिखाई दिया। तो ये सब चीजें जो है किसी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली है पार्टी में, दोनों ही पार्टी को नुकसान होगा। अब एक्चुअल क्या परिणाम आना है वो तो उनके परिणाम से पता चलेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है चुनावी समीकरण में, तो ये जो बगावत और इधर पार्टियां थर्ड पॉइंट निश्चित तौर पर चुनावी समीकरण बिगाड़ेंगे। तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि 14% पिछले चुनाव में कांग्रेस की बैन होने के बावजूद 14% वोट जो है इस थर्ड पॉइंट को गया था, और इस समय योगी जी की पार्टी और 10 बसपा मिलते 7 सीटें हासिल की थी, भाजपा की 15 सीटें आई, तो भाजपा की 15+ उससे अधिक तो इनके पास थी। तो इस तरह से थर्ड फ्रंट भी, और इस बार आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ आ रही है, और कई क्षेत्रों में उनकी उन्होंने 5 साल तक मेहनत की है, निश्चित तौर पर इसका भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में इसका असर दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अमित जी आपका, सौरभ जी आपका, और गंगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव है और बगावत के स्वर बीजेपी कांग्रेस सभी में देखे जा रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इस चुनाव में ये बगावत करने वाले कहीं पार्टी को बाहर का रास्ता ना दिखा दें, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।